Hello students, how are you all? I hope you are all fine and doing well in your fields. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4। इसमें हम ट्राइंगल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी ट्राइंगल की टाइप्स एक्सप्लेन कर दूं। अगर साइड वाइज देखा जाए तो हमारे पास दो तरह से बाइफ्रिकेशन होती है, एक साइड्स को लेके और एक एंगल्स को लेके। तो साइड्स से रिलेटेड जो होती है दैट इज स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। स्केलन कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल लेंथ की नहीं होती, यानी कि तीन साइड्स होती हैं, तीनों की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है, किसी की 3 है 4 है 5 है, मतलब कोई भी लेंथ एक दूसरे से मैच नहीं करती, that is called as scalen. Isosceles is that in which two sides are equal. दो sides की equal length हो, तीसरी different हो, तो उसको isosceles कहते हैं। और equilateral होता है जिसमें सारी sides same length की हों, जैसे एक 5 है, दूसरी भी 5 है, तीसरी भी 5 है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के हमने एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एज स्केलन, isosceles और इक्विलेटरल। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट फिगर आपकी बुक में जो है दैट इज़ एक साइड है 6, दूसरी है 6 और तीसरी है 3। तो देखिए दो साइड्स इक्वल हो गई ना, दो साइड्स इक्वल हो गई तो ये कौन सा हो गया, आइसोसेलेस। आई विल राइट आई फॉर आइसोसेलेस, एस फॉर स्केलन एंड ई फॉर इक्विलेटरल। ठीक है, आपकी बुक में ये पूरा फुल मेंशन है, आपने यहाँ से पूरा लिख लेना है। सो दिस इज आइसोसेलेस, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3, टू साइड्स की इक्वल लेंथ है, दो साइड सेम लेंथ की हैं, तो इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट इज सेकेंड फिगर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तीनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो ये कौन सी टाइप हो गई, येस वेरी ट्रू, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। नेक्स्ट इज फिगर 3 5 4 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। देखिए किसी की भी लेंथ सेम नहीं है, सब अलग अलग लेंथ की हैं, सो दिस इज स्केलन। सेम वे फिगर 4, दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 5, टू साइड्स इक्वल, वन साइड इज ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो स्टूडेंट्स ये कौन सा हुआ, आइसोसेलेस। नेक्स्ट 6.3 5 6, देखिए तीनों ही डिफरेंट हैं, ये 6.3 है, ये 5 है, ये 6 है, सो दिस इज स्केलन। नेक्स्ट इज 5 5 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की, सो इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर टू, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। अभी जैसा कि मैंने पहले बताया, दो तरह से बाइफ्रिकेशन होती है, एक साइड्स को लेके और एक एंगल्स को लेके। तो साइड्स वाली तो हमने देख ली, दैट इज स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। अब एंगल्स से रिलेटेड देखिए, अगर तो तीनों ही एंगल एक्यूट हैं, एक्यूट मतलब 90 से स्मॉलर हैं, लेस हैं, तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर एक एंगल 90 का है, बाकी दो एक्यूट हैं, एक एंगल 90, देखिए दो एंगल 90 हो ही नहीं सकते, क्योंकि ट्राइंगल में एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो अगर दो 90 के हो गए तो दो ही एंगल्स पे 180 पूरा हो गया, तो थर्ड एंगल कहाँ जाएगा। सो एक एंगल 90 होगा, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। आफ्टर दैट अगर एक एंगल 90 से बड़ा हो, मतलब 90 से ग्रेटर, यू कैन 95 100 110, कुछ भी हो, ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट समझते हैं ना आप, एक्यूट क्या है, 90 से छोटा, 0 से लेके 90 के बीच में। ऑब्ट्यूज क्या है, 90 to 180, एंड राइट क्या है, पूरा 90। सो इसी तरह से इनकी बाइफ्रिकेशन होगी। लेट अस सी फर्स्ट, देखिए फर्स्ट फिगर, उसमें ये एंगल कितना है 30, दिस इज 25 एंड दिस इज 125। देखिए एक जो है ये 125 है, ये 30 है और ये 25 है, तो एक एंगल 90 से बड़ा हो गया, 90 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल द ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, इस तरह से आपने लिखना है। ये देखिए सेकेंड में एक 90 है, दूसरा 60 है, तीसरा 30 है, एक 90 आ गया, तो दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट इज 60 65 55, तीनों ही 90 से छोटे हैं,
तीनों एंगल्स लेस देन 90 हैं, सो दिस इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. लुक एट दिस 45 45, एंड दिस इज लिखा नहीं है, बट जैसे ये छोटा सा ऐसे आप कह सकते हो बॉक्स सा या स्क्वायर सा यहाँ बना होता है, तो ये राइट ट्राइंगल को यानी कि 90 को ये रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, दिस इज 120 40 20. आपके पास बुक है, बुक में ये सारी फिगर्स हैं, तो वहाँ से आप इसको देखेंगे 120 40 20. सो 120 एक 90 से ऊपर हो गया, तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. नेक्स्ट इज 60 60 60, अगेन सारे ही 90 से लेस हैं, तो दिस इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर पॉसिबल विद द गिवन एंगल्स. ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं, ये आप सबको पता है. ट्राइंगल मीन्स तीन एंगल से मिलके बनी हुई फिगर. ये लीस्ट पॉलीगन है, सबसे छोटा पॉलीगन ये होता है. आप देखिए यहाँ पे तीन एंगल्स हैं, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? इट इज़ ऑलवेज 180. एंगल्स का मेजर जो मर्जी हो, ट्राइंगल बनाना तभी पॉसिबल होता है अगर उसके तीनों एंगल्स को प्लस करें तो हमें 180 डिग्री सम मिले. नीचे कुछ एंगल्स दिए हैं, आपने बताना है कि क्या ये एंगल्स मिल के एक ट्राइंगल बना सकते हैं. Can these be possibly the angles of a triangle? First one is 60 60 60. अब आप इन तीनों को प्लस करेंगे, सम ऑफ एंगल्स क्या आएगा? आई हैव डन इट फॉर यू, आई विल शो इट टू यू. आपको तीनों को प्लस करके देखना है, सिंपल है. तीनों का प्लस अगर 180 आता है तो यस, ये एंगल्स हैं ट्राइंगल के. अगर 180 से 1 भी कम आता है या 1 भी ज़्यादा आता है, 179 भी आ जाए या 181 भी आ जाए, तो नो, दीज आर नॉट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. लुक हेयर इट इज, फर्स्ट है 60 60 60. तो आप तीनों को सम करके देखेंगे, तीनों को प्लस करके देखिए, 180 आता है. देखिए 0 0 0, 6 6 12 and 6 18. आप इनको कॉलम्स में करके प्रॉपर प्लस करेंगे. प्लस ध्यान से करिए बच्चे, अगर प्लस गलत कर दिया तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है. आप इस चीज़ पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए. नेक्स्ट वन है जो सेकेंड पार्ट है, उसमें एंगल्स दिए हैं, तो येस हो गया ये, क्योंकि 180 है तो येस आएगा. नेक्स्ट में हमारे पास एंगल्स क्या हैं, 110 50 and 30. अब इनको प्लस करते हैं, देखिए 110 50 और 30 को आप प्लस करेंगे तो इट विल गिव यू 190 degrees. तो 180 तो नहीं है ना, ये तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180, इसका नो आएगा क्योंकि दीज के नॉट फॉर्म द ट्राइंगल. नेक्स्ट इज 65 55 60. सम ऑफ एंगल्स करिए, सम ऑफ थ्री एंगल्स कर लीजिए, प्लस कीजिए इनको. 5 and 5 10, 1 carry, 6 and 6 12 5 17, और वो 1 carry वाला 18. दिस इज 180. आप अगर चाहें ना तो आपको ऑरली, अगर आप नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. ऑरल करते हुए आप गलत मत करिएगा इसको, कॉलम्स में अरेंज कीजिए. 5 and 5 10 1, 6 and 6 12 12 and 13 13 or 5 18. तो दिस इज 180. इस तरह से आप इनको प्लस करके देखेंगे, 180 आ गया, यस. नेक्स्ट इज 90 40 50. अगेन आप इसको प्लस करेंगे, ये 180 दे रहा है तो यस लिखेंगे. नेक्स्ट इज 48 62 50 48 62 50, इट विल गिव यू 160 degree. सो 160 degree आ गया, लेस देन 180 है, नो. नेक्स्ट इज 90 95 30. देखिए 90 और 95 आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नहीं होगा, क्योंकि 90 और 95, 185 तो यही हो गया, फिर उसमें 30 और ऐड होने हैं, तो दिस विल गिव यू 215 degrees, 215 degrees. सो दिस कैन नॉट बी द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4. Classify each of the following triangles as scalene, isosceles or equilateral. Just like first question, उसमें आपको figure बना के दी थी, इसमें आपको sides की measurement दी है, तो आपने बताना है कि ये कौन सा triangle बनाएंगे, scalene होगा, isosceles की equilateral. Scalene में क्या होता है, जैसे मैंने पीछे explain किया, no side of equal length. Isosceles, two sides are equal. Equilateral, all the three sides are equal. So look at this. 4 5 6, तीनों अलग अलग लेंथ है, दिस इज स्केलन. नेक्स्ट 5 7 5, टू साइड्स आर इक्वल, 5 and 5 आर इक्वल, सो दिस इज आइसोसलेस.
सेम स्केलन, एस मैं स्केलन के लिए लिख रही हूँ, आई मैं आइसोसेलेस के लिए, एंड ई मैं इक्विलेटरल के लिए. आप पेपर में इसके पूरे स्पेलिंग्स लिखेंगे. 4.2 मीटर्स, 5.3, 6.1, कोई भी इक्वल लेंथ नहीं है. सो दिस इज स्केलन. नेक्स्ट, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, दिस इज इक्विलेटरल. नेक्स्ट, 4.2, 4.2, 8, 4.2, 4.2, टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सो इट इज आइसोसेलेस. नेक्स्ट, तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, सो दिस इज स्केल. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन बोथ वेज. अब आपने इनको दोनों वेज में क्लासिफिकेशन बतानी है, एंगल वाइज भी और साइड वाइज भी. पहले हम साइड वाइज देखते हैं. देखिए 3, 4, 5 तीनों डिफरेंट हैं, तो ये कौन सा हो गया, स्केलन. और एंगल वाइज देखिए 80, 60, 40, तीनों ही एंगल्स 90 से छोटे, तो स्केलन एक्यूट ट्राइंगल. ट्राइंगल आप पूरा टी आर आई ए एन जी एल ई भी लिख सकते हैं, या आप ये ट्राइंगल का साइन भी डाल सकते हैं, सिंबल भी. नेक्स्ट इज 4, 4, 5.6. देखिए दो साइड्स इक्वल, तो दिस इज आइसोसेलेस. और देखिए ये 45, 45 एंड दिस मेजर्स 90, तो दिस इज आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल. नेक्स्ट वन इज थर्ड, लुक एट दिस, 3, 3 एंड 5, अगेन आइसोसेलेस. नेक्स्ट एंगल्स के अकॉर्डिंग देखिए 35, 35 एंड 110. 110 मतलब 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, दिस इज 4, 4, 4. ऑल द साइड्स इक्वल, तो इक्विलेटरल. और एंगल वाइज एक्यूट, सारे ही एंगल 90 से छोटे हैं. नेक्स्ट 2, 4, 3, दिस इज स्केलन. एंड वन एंगल इज 105 मतलब 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. सो आई होप यू हैव गॉट इट. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. हेयर आर सम फिलअप्स फिलिंग द ब्लैंक्स. ए ट्राइंगल हैज, अभी आपने देखी, ये आपके सामने ही ट्राइंगल है. कितनी साइड्स हैं? ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स. अ ट्राइंगल हैज वर्टिसेस. वर्टिसेस आर दीज पॉइंट्स, सो इट हैज 3 वर्टिसेस. ए ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स. A triangle has total 6 parts, 3 sides and 3 angles. A triangle whose all the sides are of different length. अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जिस ट्राइंगल में सारी साइड्स अलग अलग लेंथ की होती हैं, वो क्या होता है? स्केलन ट्राइंगल इज नोन एज स्केलन ट्राइंगल. अ ट्राइंगल हुज ऑल द एंगल्स आर एक्यूट इज नोन एज एक्यूट ट्राइंगल. नेक्स्ट 7th पार्ट, अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ए ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज इज नोन एज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल भी कभी कभी बोला जाता है. इट कैन बी रिटन इन बोथ वेज, ऑब्ट्यूज एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. ए ट्राइंगल हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल. A triangle whose one angle is right is known as right triangle. Now 7th question, state true or false. Each equilateral triangle is isosceles. देखिए equilateral क्या होता है, जिसकी सारी sides equal. सारी sides equal है तो two sides भी तो equal होंगी ही ना. So this is true. Each acute angled triangle is scalen. Acute angled है मतलब angle 90 से छोटे हैं, but उनकी वो ज़रूरी नहीं है कि scalen हो, वो equilateral भी हो सकता है, वो isosceles भी हो सकता है. सो इट इज फॉल्स. ईच isosceles ट्राइंगल इज equilateral. isosceles होता है जिसमें टू साइड्स इक्वल हैं, तो equilateral में 3, तो ये पॉसिबल नहीं है. टू साइड्स इक्वल हों तो 3 ज़रूरी नहीं कि इक्वल हों, थर्ड डिफरेंट भी हो सकती है. देयर आर टू ऑब्ट्यूज एंगल्स इन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. नो, ऑब्ट्यूज एंगल एक ही होता है, राइट एंगल एक ही होता है, एक्यूट सारे हो सकते हैं. इन राइट ट्राइंगल देयर इज ओनली वन राइट एंगल. यस ट्रू, एक ही राइट एंगल होता है, बाकी सारे एक्यूट होते हैं. राइट ट्राइंगल कैन नेवर बी आइसोसेलेस. राइट ट्राइंगल 90 का, उसकी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं. सो इट इज, इन्होंने कहा कैन नेवर बी, सो दिस इज फॉल्स. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट इट. दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 9.4. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.